आयो तो हम रोजाना देखते हैं, लेकिन खुलेआम ये भांगड़ा हमने पहले कभी ना देखा था। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा बेशर्म मीडिया हमने कभी ना देखा था। लोग स्थानांतरण कर देता है अफसरों का, लेकिन इस बार के चुनावों में किसी भी डीएम का या किसी भी आईपीएस ऑफिसर का स्थानांतरण किया गया हो क्या? आपने ऐसा सुना? एक चुनाव आयोग, एक मीडिया और प्रशासन। योगी ने बहुत अपना ईमान देख सकते हैं, तो कल को अगर शत्रु देश दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण कर देगा तो उसकी बाही बाही भी कर सकते हैं। सुधीर तिहाड़ी चीन के भारत पे कब्जे के भी फायदे गिना सकते हैं, पाकिस्तान के कब्जे के भी फायदे गिना सकते हैं, बांग्लादेश के कब्जे के भी फायदे गिना सकते हैं, अमेरिका के फायदे के भी कब्जे आपको फायदे के रूप में बताए जा सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज शाम एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो जिंदगी की शाम, जो जिंदगी की शाम हंसी खुशी नाचने गाने में बिता रहा है नचनिया मीडिया। मुन्नी मीडिया तो मैंने पहले ही नाम दे दिया था इसका, लेकिन बेशर्मी की हद हो जाती है जब मीडिया जो है गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार एक ऐसी ताल पर थिरकते हुए नजर आते हैं जो योगी जी के चुनाव प्रचार के समर्थन में बनाया गया गीत होता है। इनकी बेशर्मी देख करके हैरान था कि इस कदर भी गिर सकते हैं पत्रकार की अपना ईमान भी बेच सकते हैं। जब एक पार्टी के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं तो कल को अगर शत्रु देश दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण कर देगा तो उसकी बाही बाही भी कर सकते हैं। सुधीर तिहाड़ी चीन के भारत पे कब्जे के भी फायदे गिना सकते हैं, पाकिस्तान के कब्जे के भी फायदे गिना सकते हैं, बांग्लादेश के कब्जे के भी फायदे गिना सकते हैं, अमरीका के फायदे के भी कब्जे आपको फायदे के रूप में बताए जा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ है ऐसी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लोग सोशल मीडिया पर अंदाजे लगाते रहे कि भाई वो लाशें तैर रही थीं, उनके प्रति किसी को आक्रोश नहीं था, जलाई जा रही थीं, खींची जा रही थीं कफन लोगों की लाशों से, और इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं थी, कुछ नहीं था, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो जीत कैसे होगी भारतीय जनता पार्टी की, अनुमान लगा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मीडिया जो था वो इतना कमाल था, भारतीय जनता पार्टी ने जो थी तीन चीज़ों पर कब्जा किया था, एक चुनाव आयोग, एक मीडिया और प्रशासन। योगी ने बहुत बुरी तरह से सेटिंग की हुई थी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी सरकार के चुनाव होते हैं या कहीं चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग स्थानांतरण कर देता है अफसरों का, लेकिन इस बार के चुनावों में किसी भी डीएम का या किसी भी आईपीएस ऑफिसर का स्थानांतरण किया गया हो क्या? आपने ऐसा सुना? तो चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध बन जाती है। चुनाव आयोग के संदिग्ध अधिकारियों में वो प्रशासनिक अधिकारी ईवीएम मशीनों के साथ पकड़े जाते हैं, सब जगह पकड़े जाते हैं, सफाई देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लेकिन बड़े हैरत की बात होती है कि इस पर चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी पर अमित शाह के उस बयान पर जिसमें वो कहते हैं कि हम ये दे देंगे, स्कूटी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, इस पर लेकर के अमित शाह पर केस नहीं करता तो शक का दायरा बढ़ने लगता है। क्योंकि चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली की तरह नचा रहे थे हमारे बड़े वाले साहेब, दाढ़े वाले साहेब, टैगोर वाले साहेब, फलाने साहेब, ढिमकाने साहेब, और लेकिन उनकी ताल पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती और मीडिया भी जो था थिरक थिरक करके भांगड़ा करने लगा। शब्दों की तवायफी और भांगड़ा तो हम रोजाना देखते हैं, लेकिन खुलेआम ये भांगड़ा हमने पहले कभी ना देखा था। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा बेशर्म मीडिया हमने कभी ना देखा था। लेकिन इस बेशर्म मीडिया के ऊपर एक बयान आता है, ईवीएम के ऊपर एक बयान आता है जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देने के लिए काफी होता है। भाई उसमें अरविंद केजरीवाल भी गिरते हुए नजर आते हैं और ममता बनर्जी के इस बयान से बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं, सवाल उठ जाते हैं उन लोगों पर जिन्होंने इस चुनाव को अलोकतांत्रिक तरीके से जीता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या ईवीएम का मास्टर अरविंद केजरीवाल, जो एक इंटरव्यू में दावा करते हैं कि साहब 90 सेकंड में ईवीएम हैक हो जाती है। उनका एक पुराना इंटरव्यू भी यहां डालूंगा। और ममता बनर्जी ने क्या कहा
पहले वो सुन लीजिए दोस्तों, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये ना सुना तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसी नेता है ममता बनर्जी जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और अखिलेश को बोला, अखिलेश को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या बोला ममता बनर्जी ने यह सुन लीजिए। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे, हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। ममता बनर्जी ने अपने इरादे साफ कर दिए, शिवसेना ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं, उद्धव ठाकरे के मतलब हनुमान संजय राउत सीधे सीधे बोल पड़े हैं कि भैया ये तो गलत हो गया, मायावती ने बहुत बड़ा साथ दे दिया। अब मायावती ने कितना साथ दिया, हालांकि मायावती अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं, लेकिन क्या कहें दोस्तों, उनका यह आरोप है कि मुसलमान वोट हमारे बारे में गलत प्रचार कर दिया गया, मुसलमान वोट हमें नहीं मिला इसलिए हम हार गए। ईवीएम को बचाने के तरीके हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि यहां जिस बीजेपी पार्टी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिलनी थी वहां बड़ी बड़ी विक्ट्रियां हो रही। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि 20-20 15-15 हजार वोट पहले ही डल चुके थे, तो भैया कहां से वो होता पूरा फासला। लेकिन ममता बनर्जी ने जो दावा किया वो वाकई में अवैध नजर आता है और विश्वास करने लायक नजर आता है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बात बोलती है कि हम बंगाल में हमारा शासन था तो हम सबको टाइट रखा था, उधर अखिलेश ऐसा नहीं कर सकता था। तो मेरे वो सवाल फिर एक बड़ा सवाल बनकर के मोदी सरकार के सामने, योगी सरकार के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जिसमें किसी भी मतलब अधिकारी का, एसडीएम का, डीएम का या अधिकारियों का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने नहीं किया। ये एक सबसे बड़ा सबूत है जो साबित करता है कि यूपी में धांधली हुई, चुनावों में धांधली हुई। ममता बनर्जी के बयान से साफ हो जाता है और अरविंद केजरीवाल का ये बयान भी सुन लीजिए, जिससे ये साबित होता है कि ईवीएम की हैकिंग अरविंद केजरीवाल ने की। अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं इस बात को। मैं क्या कहूं, जनता के हाथ पर फैसला छोड़ता हूं, फैसला आप कीजिए, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो में आशंकाएं जताइए कि मैं किस हद तक सही हूं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कितने